नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अहमदाबाद की बच्ची सृष्टि कुंदनानी नेशनल शो मिस्टर एंड मिस सेवन स्टेट्स का पहला नेशनल रनर अप घोषित किया गया है। एमटीवी और एमटीवी बिट्स पर प्रसारित होने वाले इस शो को हाल ही में देहरादून में ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की थी, जिसमें 45 प्रतियोगी थे, जिसमें से अहमदाबाद सृष्टि कुंदनानी की पहली राष्ट्रीय उप विजेता घोषित की गई है। सृष्टि ने कहा, वह शो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि मैं घर में मौजूद अन्य सभी से सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी। हम सभी सेवन स्टेट्स अलग अलग राज्य थे, इसीलिए यह शो हमारे गैर सांप्रदायिक देश में मौजूद विविधता के बारे में जानने के लिए एक अच्छा मंच साबित हुआ, जहाँ प्रत्येक राज्य अपने रंग में अद्वितीय है। मेरे लिए नए लोगों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था। हम बहस कर रहे थे, बहस हो रही थी, गलतफहमी पैदा हुई और हमारे पास काम को जटिल करने के लिए एक दबाव था। फिर भी मेरी बॉन्डिंग हर एक कॉन्टेक्ट के साथ अच्छी रही। ऐसे अहमदाबाद से सुशीली मचे की एक खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं सृष्टि कुंदनानी हूँ। मैं 17 साल की हूँ और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैंने अभी रिसेंटली इसी ईयर एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिस सेवन स्टेट्स, और जो एमटीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद मैं उस शो में पूरे 21 एपिसोड सर्वाइव की हूँ, फिनाले तक पहुँची हूँ और आज मैं आप सबके सामने उस शो की फर्स्ट रनर अप हूँ। मैडम, ये आपकी थी बहुत डिफिकल्ट थी, बिकॉज 21 डेज बिगर फैमिली के और बिगर फोन वगैरह किसी के बिगर एक घर में बंद रह के रहना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, और टास्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना था। तो मेरा मोटिवेशन मेरी फैमिली ही थी, मेरी फैमिली का ट्रस्ट था मुझ पर, तो उसी को लेके मैं मोटिवेटेड रहती थी पूरी जर्नी में। और जो भी ग्रूमिंग और जो भी हमें टास्क वगैरह दिए थे, उसको भी मैंने अपनी पूरी मोटिवेशन के साथ पूरे किए हैं। कितने लोग थे और इतने लोगों के बीच ऑडिशन में गई थी? तो कुछ 3-4 हज़ार के तादाद में पब्लिक थी। जब मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हुई तो उसमें 42 कंटेस्टेंट सिलेक्ट किए गए थे फॉर द जर्नी, और जर्नी में धीरे धीरे एलिमिनेट होते गए लोग और फिनाले में सिलेक्ट हुए हम लोग। और उसके बाद फिनाले में टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ फर्स्ट मेरा, उसके बाद टॉप 6 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आई एम स्टैंडिंग हियर एज द फर्स्ट रनर अप ऑफ द शो। अभी क्या प्रोग्राम है?